हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की गतिविधियाँ। साथ ही बात करेंगे मानसून की वर्तमान में क्या स्थिति है और मानसून कब तक रफ्तार पकड़ने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हैं। इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर संपूर्ण भारत के किन किन इलाकों में होने वाली है बारिश की गतिविधियां। तो वर्तमान में देखा जाए तो तूफान बिपरजॉय का कमजोर रूप, यानी पहले डीप डिप्रेशन, उसके बाद डिप्रेशन, और वर्तमान में देखा जाए तो एक लो प्रेशर एरिया के रूप में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली और बिहार के कई इलाकों में मध्यम स्थित, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। एक अन्य सर्कुलेशन की बात करें तो बिहार के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है और इन सर्कुलेशन से लगाकर आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक एक ट्रफ बनी हुई है। इन सिस्टमों के प्रभाव से देखा जाए तो संपूर्ण भारत का मौसम प्रभावित होने वाला है और पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो लगातार मानसून सक्रिय है। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता नजर आ रही है और कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होती हुई नजर आ सकती हैं। मानसून आगे बढ़ने की बात करें तो कल यानी 19 जुलाई को मानसून मध्य भागों से आगे बढ़ा। बिहार के कुछ इलाकों में, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में और सिक्किम को संपूर्ण कवर कर लिया और मानसून अब आगे बढ़ने की बात करें तो जल्द आगे बढ़ सकता है और मानसून में रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ सकती है। मानसूनी हवाओं की बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से लगाकर पूर्वोत्तर भारत तक लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जल्द मानसून आगे बढ़ सकता है। मानसून आगे बढ़ने की बात करें तो अब मानसून में तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएं, क्योंकि लगातार संपूर्ण भारत के कई इलाकों में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। इन मौसमी सिस्टमों के सहयोग से मानसून आगे बढ़ेगा और यानी आज आने वाले 24 घंटों के अंदर मानसून की काफी तेज गति से आगे बढ़ने की संभावनाएं, हो सकता है महाराष्ट्र के कई इलाकों तक और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों से लगाकर बिहार के संपूर्ण भागों को कवर कर सकता है और आने वाले 24 घंटों के बाद मानसून में और तेजी देखने को मिलेगी। इस सिस्टम के प्रभाव की बात करें तो आने वाले 24 से 48 घंटों तक ये लगातार सिस्टम दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है और जब तक ये अरब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी अपनी ओर खींच पाएगा, उसके बाद इन भागों पर बने सिस्टम के प्रभाव से, सर्कुलेशन के प्रभाव से ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद ये रिकवर करते हुए फिर से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। उसके साथ साथ मानसून आगे बढ़ेगा। इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से एक बार फिर राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में होने वाली है बारिश की गतिविधियां और किन किन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। विशेषतः बात करें तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के कई इलाकों में आपको मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मुख्यतः देखा जाए आज राजस्थान के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ये बारिश की गतिविधियां अजमेर, भीलवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो चित्तौड़गढ़ के आसपास की मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही बारिश की गतिविधियां आज जयपुर संभाग के कई इलाकों में, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के कई इलाकों में संभावित हैं। हो सकता है कई इलाकों में आपको मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से अब तक देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो इस सिस्टम के आउटफ्लो के कारण देखा जाए अजमेर के आसपास लगाकर पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जाजपुर से लगाकर मालपुरा, जयपुर के आसपास से लगाकर सीकर तक कहीं कहीं इलाकों में आज शाम को एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कुछ इलाकों में तेज या मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ से लगाकर इस संपूर्ण क्षेत्र में आज खंड बारिश की गतिविधियां तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां बूंदी, सवाई माधोपुर के आसपास देखने को मिलेगी। गंगपुर, दोसा, महुआ, भरतपुर के आसपास की बात करें तो अलवर, जयपुर तक आपको कहेंगे घने बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में संभावित हैं और शाम के समय इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इस सिस्टम के प्रभाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी पूर्व भागों के, दक्षिणी पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां, उत्तरी हिमालय तराई क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में घने बादलों का निर्माण होते हुए देखने को मिल रहा है। और मानसून आगे बढ़ने की बात करें तो मानसून की सक्रियता वर्तमान में आप देख सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय तटों के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर काफी मात्रा में देखने को मिल रही है और इन क्षेत्रों में मानसून सक्रिय है और कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। आने वाले 24 घंटों के बाद मानसून में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं।
विशेष बात करें तो आज बाड़मेर जैसलमेर के कई इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा और कई इलाकों में हल्की बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। राजस्थान के उत्तरी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आज मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, परंतु ज्यादातर इलाकों में आज मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो आज उदयपुर संभाग के आसपास कहीं की हल्की बूंदाबांदी तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गिरियां, तो दोपहर के बाद से मौसम कहीं की शुष्क देखने को मिलेगा तो कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की गिरियां। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चिलगा, अजमेर, पाली, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के कई इलाकों में, सवाई माधोपुर, चिलगा, धौलपुर के यानी पूर्वी राज्य राजस्थान के अंदर आज भी बारिश की गिरियां जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर अब के लिए इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी